हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स। अब जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा लाइन एंड एंगल, उससे पहले एक बार आप सब बच्चों ने क्या करना है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक तो अच्छे से समझ आएगा। लाइक तो आप वीडियो को कर ही देंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी आपने शेयर करना है, ताकि वो बच्चे भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और अपना जो फाउंडेशन है और क्लास 9 का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है बेटा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। अब आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। अब जो पैरेलल लाइंस है, हम किसको पैरेलल लाइन बोलते हैं बेटा, विच नेवर मीट, मान लिया जो लाइन ऐसी है जो कभी मिलते ही नहीं, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और आप कह सकते हो भी इन लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक और खास बात है इन पैरेलल लाइंस में भी, मान लिया एक लाइन हम ले रहे हैं, जैसे कोई भी लाइन है, ये हमने लिया, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। अब जैसे ये लाइन ए बी है, ये हमारा पैरेलल है लाइन बी सी के। ठीक है, लाइन ए बी हमारा पैरेलल है बी सी के, और जो लाइन ई एफ है ये भी हमारा पैरेलल है बी सी के। तो हम कह रहे हैं भी जो ए बी लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, एंड जो ई एफ है ये भी पैरेलल है बी सी के। तो यदि ऐसा होगा तो ये जो लाइन हमारी ए बी है ये भी पैरेलल होगा ई एफ के। ठीक है, यानी कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू इच अदर, भी दो लाइन है यदि वो सेम लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी वो पैरेलल होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन। मान लिया एक ऐसी लाइन जी आपका लगभग, जैसे दो पैरेलल लाइन है या कोई भी दो नॉर्मल लाइन है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। मैं जो बात कर रहा हूँ ये ट्रांसवर्सल है हमारा, क्योंकि ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन मोर देन टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल लाइन के साथ मिलके कुछ खिचड़ी पकाती है, यानी कि कुछ उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन कोरस्पोंडिंग एंगल सो फॉर्म आर इक्वल, जो कोरस्पोंडिंग एंगल बनेंगे ना वो हमेशा इक्वल होते हैं, एंड अल्टरनेट एंगल सो फॉर्म आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीसरा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। अब बात आपके मन में आ रही है, सर ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और इनको एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां से पहले हम बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, पहले मैं बात कर रहा हूं कोरस्पोंडिंग एंगल की। ठीक है, अब यहां पे आपके एट एंगल बन रहे हैं, उनको नाम एक बार लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एट एंगल्स बन रहे हैं। अब हम बात करें कोरस्पोंडिंग की, तो जो हमारा एंगल वन मतलब लाइन के ऊपर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, 1 और 5 ये कोरस्पोंडिंग है, तो 1 और 5 इक्वल होंगे, ऐसे ही 2 और 6 इक्वल होंगे, 4 और 8 ये लाइन के नीचे बन रहे हैं दोनों, और 3 और 7 ये कोरस्पोंडिंग एंगल, ये है हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, जब जब लाइन पैरेलल होगी तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट में क्या होगा बेटा, वो उल्टा बनेगा हमेशा, वो आपका उल्टा बनता है हमेशा, जैसे एक राइट बन रहा है तो दूसरा लेफ्ट बनेगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं एंगल 1 ये राइट साइड है लाइन के ऊपर है,
तो ये लेफ्ट साइड है और लाइन के नीचे है, तो वन हमारा सेवन के इक्वल है। ऐसे ही जो हमारा टू है ये एट के इक्वल है, और ये आपको ध्यान रहे ये एक्सटीरियर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। उसके बाद यदि हम बात करें एंगल फोर हमारा सिक्स के इक्वल है, ये अंदर की साइड है, देखो लाइन ये अंदर की साइड है ट्रांजिस्टर के, ये लाइन के नीचे है ये लाइन के ऊपर है। थ्री और फाइव इक्वल है, ये ऑल्टरनेट है और इंटीरियर है, ये ऑल्टरनेट है और इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे आप इनको याद रखेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग हमेशा बनेंगे एक ही साइड, लाइन के ऊपर है तो दोनों ऊपर ही बनेंगे, नीचे है तो दोनों नीचे बनेंगे। यदि हम बात करें इंटीरियर की, ऑल्टरनेट इंटीरियर, वो उल्टा होगा हमेशा, एक लाइन के क्या बन रहा है बेटा, अंदर की साइड बनेंगे, ठीक है ना, एक ऊपर बनेगा तो दूसरा नीचे, ठीक है। ये आपका बन गया ऑल्टरनेट एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हम बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब जैसे अब ये दो पैरेलल लाइन है और इनको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब यहां पे हमारे एंगल बने थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, तो ये इंटीरियर एंगल हमारा फोर और फाइव हुआ, फोर प्लस फाइव इनका सम होगा 180, और ऐसे ही थ्री प्लस सिक्स इनका सम 180। ये है, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये साथी साथी हैं और ये हमेशा मिलके हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हमारा को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो लाइन पैरेलल होंगी, ऐसे ही यदि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल होंगी। ऐसा कई बार ऐसा भी आता है, हमें प्रूव करना था भी ये लाइन पैरेलल है, तो उसके लिए हमें या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। अब इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 6.2, क्वेश्चन वन आपका सामने है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो इन फिगर 6.23 ए बी पैरल सी डी एंड सी डी पैरल ई एफ। तो पहले तो जो ए बी है ये सी डी के पैरल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरल, अभी लिखा था मैंने, तो इसमें क्या होगा ए बी हमारा पैरल हो जाएगा ई एफ के, एक चीज का तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था भी दो लाइन है सेम लाइन के साथ पैरल है तो आपस में भी वो पैरल होती है। तो यहां से यदि हम देखें वाई और जेड का रेशियो 3:7 है, तो यहां से यदि हम देखें सो एंगल एक्स हमारा जेड के इक्वल हो गया, एंगल एक्स हमारा जेड के इक्वल, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एंगल वाई, इसको लिया मैंने 3 के, देन एंगल जेड, ये बल्कि इसको एंगल भी लगाने का जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, आप ऐसे ले सकते हो, जेड को हमें क्या लेना पड़ेगा 7 के, ठीक है। तो जेड हमारा 7 के है तो एक्स भी 7 के होगा, एक्स और जेड दोनों से, और उससे क्या था हमारा एक्स और वाई दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई, ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर है, ये को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। तो ये है हमारा एक्स कितना है, एक्स है हमारा अभी लिया मैंने 7 के, वाई है 3 के, किसके इक्वल है 180 के, तो ये 10 के हो गया ना, तो ये हो गया 10 के इक्वल 180, तो के यहां से 18 आ जाएगा, तो के का वैल्यू 18 आया बेटा, वैल्यू हमें निकालना है एक्स का, तो एक्स किसके इक्वल है हमारा 7 के, तो 7 × 18 तो ये हमारा 126 डिग्री आ जाएगा, तो ये एंगल हमारा 126 आ गया, ठीक है बेटा। तो जैसे ही हमें पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा फिर हमें कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और जो ई एफ है वो सी डी भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और एंगल जी ई डी, जो एंगल जी ई डी है वो है 126 डिग्री, तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल जी एफ ई इसके इक्वल होगा ये एफ ई डी के, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अब जैसे एंगल जी ई डी है, जी ई डी ये पूरा एंगल हमारा 126 है, ये पूरा हमारा 126 है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा हमारा, तो ए जी ई निकालना है ना पहले, ए जी ई, तो ए जी ई ले लेते हैं, एंगल ए जी ई ये हमारा इक्वल होगा जी ई डी के, ये है अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है दोनों, यहां से यदि आपको क्लियर नहीं है देख लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ तो एंगल जो हमारा ये जी ई डी है, एंगल जी ई डी ये दो एंगल के सम से बना है, जी ई एफ प्लस एंगल प्लस एंगल एफ ई डी ये 126 है, ये हमें निकालना है ये 90, तो एंगल जी ई एफ आ जाएगा हमारा 126 माइनस 90 ये 36 आ जाएगा, तो जो एंगल जी ई एफ है ये आ गया 36 डिग्री, ठीक है। फिर एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई अब ये 36 आ गया, ये 90 है, तो एंगल एफ जी ई क्या होगा, 180 माइनस ये 90 है माइनस 36, ठीक है, 126 हो गया तो ये 54 आ जाएगा, तो ये 54 डिग्री आपका आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली, लेकिन उसके लिए आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल ये सब अच्छे से आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर 6.25 पी क्यू पैरेलल एस टी और एंगल पी क्यू आर ये हमारा इक्वल है 110 के, एंगल आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों में तो रिलेशन दे रखा है लेकिन एंगल का तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन मैंने ड्रॉ की इधर से ए बी, ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस डी, क्योंकि पी क्यू और एस डी तो ऑलरेडी पैरेलल है, ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं, ये एंगल मान ली मैंने एक्स ले लिया, तो 110 प्लस एक्स हमारा किसके इक्वल होगा 180 के, ये को इंटीरियर एंगल, तो यहां से x आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110 तो 70 डिग्री, एंड ये हमारा y है, y प्लस 130 ये भी हमारा को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स, तो यहां से y क्या आएगा बेटा 180 माइनस 130 ये 50 डिग्री आ। अब जो एंगल हमें ये लेना है तो हम लेंगे नाउ x प्लस ये है हमारा क्यू आर एस प्लस y, इन तीनों का मिला के 180 बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल है ये, देखिए जरा एक बार, ये एंगल फिर ये इन तीनों को मिलाते हैं तो पूरा स्ट्रेट एंगल आपका बन रहा है, तो ये हमारा कितना आया था, x आया था हमारा 70, ये हमारा आया था 50, तो यहां से क्यू आर एस कितना होगा 180 माइनस 70 माइनस 50 तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि ये सेम क्वेश्चन आए, थोड़ा सा चेंज करके भी वो दे सकते हैं बेटा, थोड़ा चेंज करके भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन है ये, अपने आप कर सकते हैं आप, डायरेक्टली आप इसको बना सकते हैं। बी एंगल हमारे पास ये 50 है तो आप ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, तो वाई हमारा 127 माइनस 50 के इक्वल होगा, ये 77 आ जाएगा ना, ये 77 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल है ना, देखो जरा इधर देखो,
यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसका क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 77 आ गया। जो एक्स है, एक्स हमारा 50 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे। थोड़ा सा साइंस इसमें हम पढ़ेंगे। इंसिडेंट रे मतलब जैसे होता है ना, पढ़ा आपने साइंस में भी, ये रे यहाँ पे टकरा रही है तो वो सेम एंगल पे वापस आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब वो किस एंगल पे टकराई है, मैं यहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये तो ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस एंगल पे इसके साथ टकराई है, किस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये हमारा एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अब आपको पता होना चाहिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हुआ एंड एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, ये हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब ये ए बी जो पी क्यू और आर एस है ना, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, ये हमारे पास गिवन है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो ये एंगल है ना, ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ बेटा, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा जो है किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये एंगल हमारा इक्वल होगा, जो एंगल पीबीसी है, जो पीबीसी है ये हमारा एंगल इक्वल आ जाएगा। पहले हम यहां से चलेंगे ना बेटा। हाँ बेटा जी, क्लियर है। ए बी हमें पैरेलल सी डी के प्रूव करना है, बस ए बी सी डी के पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन मैंने ली थी ना, इसको बी सी लिख लो, इसको हम लिखेंगे सी तो हमारे पास है ही है पहले, यहाँ पे एम ले लिखते हैं, एम एन, बल्कि इसकी बजाय आप एम एन ले लो तो बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा उससे। चलो इजी वे में बता देता हूँ। तो जो हमने पैरेलल लिया ना बी एम, ये हमारा पैरेलल है किसके बेटा, सी एन के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। 2 टाइम एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 2 टाइम एंगल 3 के। ठीक है, तो एंगल 2 को मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और ये 3 प्लस 3, एक 2 की जगह मैं 1 लगा सकता हूं, एक 3 की जगह 4 लगा सकता हूं, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब 1 और 2 को ऐड करता हूं तो मेरा एंगल कौन सा आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, ये ए बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी डी। लेकिन कैसे एंगल है ये एंगल कैसे है बेटा, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जो वो पैरेलल लाइन के बीच बनते हैं। सो ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे हम इसको जो है प्रूव कर सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो जैसे हमने क्या था, जब लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो इजी वे में आप इसको कर सकते हैं बेटा जी। तो ये आपका टॉपिक था बच्चे, आई होप आप सभी को समझ आया है। एक छोटा सा काम आपने करना है, वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे बेटा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं, उन सबके साथ आपने वीडियो को शेयर करना है, और उनको बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि उनके बच्चे हैं 9th क्लास में या क्लास 10 में, क्योंकि 9 और 10 दोनों की हम क्लासेस ले रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बच्चे।